फ्रेंड्स वेलकम टू तो माय स्वयं एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों देखेंगे ओपीएस स्कीम दो अपडेट सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान इन राज्यों में लागू की गई पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलेगा पैसा ओ पी एस स्कीम दो अपडेट्स अपडेट आप जिस पुरानी पेंशन योजना का उल्लेख कर रहे हैं वह भारत की पिछली पेंशन योजना हो सकती है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा जो है स्थापित प्रतिस्थापित किया गया था पुरानी पेंशन योजना एक परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली थे जहाँ सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवा के वर्षों और वेतन के आधार पर एक विशिष्ट राशि मिलती थी ओल्ड पेंशन लेटेस्ट अपडेट 2024 हालांकि स्थिरता संबंधी चिंताओं और निवेश पर अधिक लचीलेपन और नियंत्रण की इच्छा के कारण सरकार ने एनपीएस की शुरुआत की जो कि एक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली है और ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 एनपीएस के तहत व्यक्ति यह चुन सकता है कि अपने पेंशन योगदान को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे कि इक्वलिटी एंड सरकारी प्रतिभूतियों कॉपरेट बॉन्ड आदि में कैसे निवेश किया जाए और इस बदलाव का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक निवेश विकल्प प्रदान करके पेंशन योजना को लंबे समय तक अधिक टिकाऊ बनाना है ओ स्कीम 2024 पुरानी पेंशन योजना की बहाली कई बार राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने से इनकार करती है नजर आती है और फिर केंद्र सरकार भी इसके समर्थन में नहीं है तो ऐसे में कब किया किस राज्य ने अपने फायदे के लिए पुरानी पेंशन योजना का बहाल कर दी है और इसकी जानकारी किसी को नहीं मिलती है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस हालांकि कर्मचारियों को यह तो पता है कि उनकी पुरानी पेंशन योजना लागू है लेकिन उन्हें उनकी जो है पहले ज़मीन का भी किया गया गई रकम नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन 2024 ओपीएस स्कीम 2024 अपडेट्स पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को पूरा करने के लिए उद्देश्य से कर्नाटक सरकार चुनाव वादों में जो है की गई पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा को साकार करते हुए अपना जो है वादा पूरा कर लिया है और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी है 2006 के बाद भर्ती हुए तेरह हज़ार से ज़्यादा राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा कोर्ट के मुख्यमंत्री सिद्धि रमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी दी है कि कर्नाटक के जो है दोस्तों घोषणा की है कि कर्नाटक के तेरह राज्यों में ज़्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का सीधा लाभ दिया जाएगा और इन पुरा ई कर्मचारियों की भर्ती 2006 के बाद की गई थी और इन घोषणा के बाद कर्नाटक जो है राज्य के कर्मचारियों से खुशी की लहर है सरकार ने कर्मचारियों की मांग पूरी कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है हालांकि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य सरकार के खाते समय काफ़ी बोझ पड़ेंगे जिसका वाहन राज्य सरकार को करना होगा और इसके अलावा कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू कर रही है और इसके अलावा कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू की थी इसलिए अनुमान है कि चुनाव के समय को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारें अपने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे सकती है राज्य केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना कब लागू करेगी केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग दोहरा रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार इस जो है मामले में कर्मचारियों को लाभ मिल सके और पेंशन योजना लागू करने के पक्ष में नहीं है और सरकार की ओर से एनपीएस में ही कुछ बदलाव यहाँ पर कर्मचारियों को लाभ देने के लिए कोशिश की जा रही है अब देखना है कि एनपीएस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए क्या उचित कदम उठाती है ऐसे में केंद्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का इंतजार करना होगा जल्द ही केंद्र सरकार इस पर जो है अधिकारी बयान जो है जारी कर बदलाव या क्रियान्वयन करता है तो घोषणा इसके लिए करेगा कर्मचारियों ने सांसदों को नोटिस जारी की कि दिल्ली में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में संयुक्त राज्य संघ की बात कर लिया जाए संघर्ष संचालन समिति ने तीस अक्टूबर में बीस नवंबर के बीच सभी सांसदों को नोटिस जारी किया अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी ने बहाली के समर्थन में एक गौर इसमें मेगा रैली निकाली गई और केंद्र सरकार के कर्मचारी सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों जैसे पंजाब राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड और हिमाचल प्रदेश के जो है कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का बहाल करने का जो है कर्मचारी सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और रैलियाँ आयोजित करने कर रहे हैं और पहले से ही राज्य रोजगार के लिए भी पुरानी 2024 पेंशन योजना प्राप्त कर रहे हैं इसलिए कर्मचारियों का तर्क होना चाहिए केंद्र सरकार के प्रति पुरानी पेंशन योजना का बहाल करना चाहिए क्योंकि राज्य के पहले कई जो है ऐसी योजनाएं हैं जो पेश करते हुए इसलिए पुराने पेंशन योजना का बहाल करने का आदेश जारी किया गया भरपूर में एक साथ जो है काम करने से बहुत ही लाभ होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रा, बात कर राज्य सचिवालय सेवाओं के निजी संबंधों को एक बड़ा उपहार देते हुए राज्य सरकार ने निजी सचिवों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओ का विकल्प बढ़ने का है और निर्णय लिया है जिन्होंने अतिरिक्त पीसी से जो है परीक्षा 2007 के उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का भी नियुक्ति अभी रुकी हुई है और एक कर्मचारी इसमें जो है सफल नहीं हुआ तो वर्तमान नई पेंशन योजना के अंतर्गत आता है ओ के बिल मात्र मंजूरी और ए परीक्षा 2007 के द्वारा पर बिल्कुल सचिवालय सेवाओं में संयुक्त राज्य की बात कर लिया जाए तो यस नियुक्ति समीक्षा अधिकारी के लिए बुधवार को इसी तरह का आदेश जारी होने की संभावना है राज्य सचिवालय में कुल 250 कर्मचारियों को पी का लाभ मिलेगा और ये कर्मचारी इस दलील पर ओ की मांग कर रहे हैं जिन मांगों उसमें जो है पहले से ही जारी किया गया है तो इस पेंशन में तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लाइक शेयर थैंक्स फॉर वॉचिंग गाड ब्लेस यू